अन्ना आंदोलन से निकली और नवंबर 2012 में गठित आम आदमी पार्टी ने बेहद कम समय में ही लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा हासिल कर लिया। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक आदर्शों के साथ साथ उनकी उन योजनाओं को श्रेय दिया जा सकता है जिन्हें उन्होंने लागू किया और जिनके बल पर पार्टी ने आम लोगों के दिल में अपने लिए खास जगह बना ली। लेकिन इन योजनाओं के लोकप्रियता के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऐसी शराब नीति की घोषणा की जिसके कारण आज न केवल उनके कई शीर्ष नेता जेल में बंद है बल्कि माना जा रहा है इसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच सकती है। आम आदमी पार्टी पर यह खतरा कितना बड़ा है, क्या अरविंद केजरीवाल भी इस मामले में जेल जा सकते हैं या आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार ने 22 मार्च 2021 को दिल्ली के लिए नई शराब नीति की घोषणा की थी। 17 नवंबर 2021 को सिसोदिया ने नई शराब नीति लागू कर दी। नई नीति में व्यवसायियों को भारी छूट देने के साथ साथ गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलने, शराब की होम डिलीवरी कराने और मॉल में शराब की बिक्री देने की अनुमति शामिल थी। शराब पीने की उम्र घटाना, शराबबंदी के लिए दिनों की संख्या घटाने से लेकर शराब कंपनियों को खुदरा बिक्री क्षेत्र में अनुमति देने सहित इस शराब नीति में कई ऐसे प्रावधान लागू किए गए जिनको लेकर विरोध शुरू हो गया। बता दें कि दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि कंपनियों को शराब का लाइसेंस देने में भारी घोटाला किया गया। शराब बिक्री पर व्यापारियों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इसमें से 6% कमीशन आम आदमी पार्टी को देना तय किया गया था। उनका आरोप ये भी है कि शराब नीति में भारी काली कमाई की गई जिससे पंजाब गोवा के विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया। सबसे ज्यादा विरोध गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने को लेकर था। अब तक अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से घेरने में असफल रही भाजपा को शराब घोटाले के रूप में बड़ा मौका मिला और उसने जमकर हमला बोला। माना जाता है कि भाजपा को इसका लाभ भी मिला और 3 बार नगर निगम में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने और घोर सत्ता विरोधी रुझानों के बाद भी वो निगम चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल रही। अब भाजपा की दृष्टि लोकसभा चुनाव के साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। बता दें कि भाजपा के विरोध से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बनने लगा। विरोध और राजनीतिक नुकसान देखकर सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति वापस ले ली और पुरानी शराब नीति को दोबारा से लागू कर दिया। इस मामले में सीबीआई में मामला दर्ज कराया गया। सीबीआई ने लेकिन विभिन्न आरोपों को लेकर इस मामले की जांच शुरू कर दी।